दोस्तों, क्या आप बिलीव कर सकते हो, ये नजारा महाराष्ट्र, मेघालय, केरला या कर्नाटका का नहीं बल्कि गोवा का है। गोवा में घूमने के लिए सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत बीच नहीं बल्कि बहुत कुछ है। इस वीडियो में आपको मैं साउथ गोवा के 10 बेस्ट प्लेसेस दिखाने वाला हूँ। इन लोकेशन में यहाँ के फेमस बीच के अलावा ऑर्बिट बीच और साथ ही साथ कुछ अनएक्सप्लोर्ड प्लेस भी देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए अपनी सिनेमैटिक जर्नी को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस टाइम पे मैं हूँ साउथ गोवा में और इंट्रो देख के आपको तो समझ गया रहेगा कि आज के वीडियो में हम साउथ गोवा के बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, कुछ फेमस तो कुछ हिडन। जैसे कि अभी मैं खड़ा हूँ एक जगह पे जो कि है काबो दो रामा केव और एक काफ़ी हिडन लोकेशन है। यहाँ पर मेरे अलावा अभी फिलहाल कोई नहीं है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको सब लोकेशन पता चल जाएगा कहाँ पर है, कैसे आना है और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा उस जगह का सिनेमैटिक शॉट और ढेर सारे ड्रोन शॉट। तो चलिए साउथ गोवा के सिनेमैटिक जर्नी को शुरू करते हैं। वैसे तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन टूरिज्म के मामले में बहुत आगे है। गोवा डिवाइड है दो डिस्ट्रिक्ट में, एक नॉर्थ दूसरा साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा में ज्यादा टूरिस्ट आते हैं एज कम्पेयर टू साउथ गोवा। अगर आप भी साउथ गोवा का प्लान कर रहे हो और लोकेशन को लेकर कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं जाना मत। तो साउथ गोवा की सबसे पहली लोकेशन है वो है पालोलम बीच। तो पालोलम बीच जो है वो साउथ गोवा का बहुत ही फेमस बीच है और यहाँ पर आप आते हो तो आपको बाइक का पार्किंग का देना पड़ता है 50 रुपया। तो जितने भी फेमस बीचेस है गोवा के, वहाँ पे सब जगह आपको 50 रुपया पे करना पड़ता है पार्किंग का। तो सुबह के 10 बज रहे हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर एक्टिविटीज भी होती है और ये नज़ारा आप देख सकते हो। जैसे नॉर्थ गोवा का बागा और कलंगुट बीच फेमस है, वैसे ही साउथ गोवा का पालोलम बीच। पालोलम बीच जाना जाता है यहाँ की सॉफ्ट सैंड और शांत लहरों के लिए। इसके कारण यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो, जैसे कि कयाकिंग, बोटिंग, बनाना राइड। इस बीच के किनारे पाम ट्रीज है जो कि पालोलम बीच को बहुत सुंदर बनाते हैं। इस बीच के सामने है एक खूबसूरत सा आइलैंड जिसका नाम है कैनकोना, जो कि जाना जाता है यहाँ पे रहने वाले मंकीज के लिए। इस बीच के किनारे आपको ढेर सारे कैफेज, रेस्टोरेंट और कॉटेजेस मिल जाएंगे जहाँ से आप इस बीच के सुंदर नज़ारे देख सकते हो। आज इतनी ज्यादा धूप थी कि इस बीच के यहाँ मुझे एक ही सॉन्ग याद आ रहा था, आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी है सानी सानी। हमारी नेक्स्ट लोकेशन है एक ऐसा बीच जो कि घिरा हुआ है इन घने जंगलों से। इस बीच की सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको या तो ट्रेक करना पड़ता है या फिर पालोलम बीच से बोटिंग करके आना होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच की तरफ। तो बटरफ्लाई बीच तक जाने के दो रास्ते हैं, एक तो बाय बोट जा सकते हो या तो बाय रोड जा सकते हो। तो मैं बाय रोड जा रहा हूँ। मेन रास्ते से हमको लेफ्ट टर्न लेके कच्चे रास्ते की तरफ जाना पड़ता है। गूगल मैप पे इसका लोकेशन परफेक्ट, आप गूगल मैप पे डाल के आ सकते हो। तो जहाँ तक गाड़ी जाती है स्कूटी, वहाँ तक लेके जाएंगे। मेन रोड से बटरफ्लाई बीच 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 2 किलोमीटर ऑफ रोड करने के बाद आप पार्किंग के यहाँ पहुँच जाते हो। तो बटरफ्लाई बीच की तरफ मैं जा रहा हूँ और मैंने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है। तो यहाँ पर पार्किंग का है 100 रुपीज़। तो मैंने पूछा इतना ज़्यादा क्यों है यहाँ पर, उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा पानी भरा है, अक्टूबर एंड होने वाला है तभी भी पानी बहुत भरा है। तो आगे तक हम नहीं लेके जा सकते अपनी स्कूटी, कि अपनी स्कूटी तो है नहीं, खराब हो गया तो उसका भी पैसा देना पड़ेगा। लगभग 20 मिनट का ट्रेक करने के बाद हम पहुँच जाते हैं सेक्लूडेड बीच ऑफ गोवा। तो पहुंच गया हूं मैं बटरफ्लाई बीच और इस बार मैं देखता हूं कि यहां पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए थे। 2 साल पहले जब आया था तो इतने नहीं थे, अभी ये ज़्यादा कुछ फेमस हो चुका है। तो ये देख सकते हो दोपहर के बज रहे हैं 12, तो ये कुछ ऐसा है बटरफ्लाई बीच। बटरफ्लाई बीच पालोलम के साउथ में लोकेटेड है। इस बीच का शेप बटरफ्लाई के जैसा है, इसके लिए इसको बटरफ्लाई बीच नाम दिया गया है। इस बीच को हनीमून बीच भी बोला जाता है। ये बीच काफी छोटा है और एक साइड से घने पेड़ से घिरा हुआ है जहाँ से बहता हुआ पानी
इस बीच में जाके मिलता है। तो अभी मैं आया हूँ, एक मस्त सा स्पॉट है बटरफ्लाई बीच के साइड में ही है। तो यहाँ पर बेसिकली कोई नहीं, वहाँ पर काफी ज्यादा लोग थे, तो मैंने ऐसा फटक से कोई ऐसा प्लेस ढूंढ लिया जहाँ पर कोई ना हो। तो ये बटरफ्लाई बीच है, उसके बगल में ऐसा पहाड़ चढ़ के उतर के मैं आया यहाँ पर, जहाँ पर लिटरली कोई नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, बोट से भी आ सकते हो, तो ये सब वो बोट है जो पालोलम बीच से आपको बटरफ्लाई बीच लेके आती है। तो साउथ गोवा के दो फेमस बीच के बाद हम विजिट करेंगे एक अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन जो कि है काकोलम बीच। इस बीच की खास बात है कि यहाँ पे आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलता है, तो बढ़िया है ना, बीच के साथ साथ वाटरफॉल भी। तो अभी जो हमारा लोकेशन होने वाला है ये भी एक बीच है, बट ये बीच अभी तक इतना पॉपुलर नहीं है, जो कि है काकोलम बीच। और बटरफ्लाई बीच से इसका डिस्टेंस कुछ 11 किलोमीटर के आसपास है। और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है इस बीच का व्यू पॉइंट, यहाँ से बीच एकदम मस्त दिखता है। फिर थोड़ा सा आपको नीचे उतर के जाना है, मतलब अभी मैं ऊपर खड़ा हूँ, बीच तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा, आई थिंक 10 मिनट लगेगा, फिर वापस ऊपर चढ़ना भी पड़ेगा। व्यू पॉइंट से 10 मिनट नीचे उतरने के बाद हम पहुँच जाते हैं बीच पे। तो पहुँच गए हम लोग काकोलम बीच, थोड़ा सा 10 मिनट नीचे उतरना पड़ा। और ये बीच पे फिलहाल अभी बहुत ही कम लोग हैं, मतलब अभी भी ऑफबीट बीच है, और अभी तो हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, काफी खाली खाली लग रहा है। ये देखिए बहुत ही कम लोग हैं, अभी बारिश हो रही है तो सब लोग भाग गए हैं। तो ये बीच भी आपको जरूर विजिट करना चाहिए। काकोलम बीच अभी एक ऑफबीट बीच है जो कि गोवा के शोर शराबे से काफी दूर है। ये बीच घिरा हुआ है माउंटेन से, जहाँ पे कई सारे कोकोनट ट्रीज है जो कि इस बीच को सेकुलेटेड बनाते हैं। ऑर्बिट होने के कारण ये बीच काफी क्लीन और सुंदर दिखाई देता है। इसका एक और खास बात है कि यहाँ पर आपको वाटरफॉल भी देखने को मिलता है, आप देख सकते हो ये वाटरफॉल है ऊपर बड़ा सा एकदम आ रहा है यहाँ पे, और ये वाटरफॉल का पानी सीधा आगे जाके बीच पे मिल रहा है। तो अगर आपको काफी गर्मी लग रही है या फिर वाटरफॉल भी चाहिए आपको, तो आप यहाँ पर आइए बीच पे और वाटरफॉल में एंजॉय कीजिए। जब गर्मी ज्यादा सताए तो वाटरफॉल में नहाइए, काफी मजा आएगा। बीच के साथ आपको वाटरफॉल भी मिल जाए तो ये बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन हो जाता है। वैसे इस बीच को टाइगर्स बीच बोलते हैं, और कहा जाता था यहाँ पे टाइगर्स को हंट किया जाता था, लेकिन बट वो सिर्फ एक मिथ है। इवनिंग का टाइम हो चुका है और हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है काबो दे रामा। काबो दे रामा एक ऐसी जगह है जहां पर आपको देखने को मिलता है काबो दे रामा फोर्ड, काबो दे रामा बीच, काबो दे रामा बैकवाटर्स और सनसेट पॉइंट, और एक ऑर्बिट लोकेशन जो कि है काबो दे रामा केव। सबसे पहले हम देखेंगे काबो दे रामा फोर्ट और केव। काबो दे रामा गोवा का काफी पुराना फोर्ट है, ये फोर्ट काफी खराब कंडीशन में है। अभी हम लोग आ गए हैं काबो दे रामा फोर्ट देखने के लिए, टाइमिंग भी है 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक चालू रहता है, और यहाँ पर आपको अपना आईडी दिखा के एंट्री कराना रहता है, और एक नंबर देते हैं, वो नंबर आपको बताना पड़ता है चेकआउट करते टाइम, और ऑल डे ओपन रहता है। और यहाँ पर आपको एक चर्च देखने को मिलता है। इस फोर्ट से हमें पेबल बीच देखने को मिलता है। वैसे इस फोर्ट पे मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं यहाँ का हिडन केव एक्सप्लोर करने आया हूँ। तो बेसिकली काबो दे रामा फोर्ट पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर एक केव है जो कि काबो दे रामा केव है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ गूगल मैप के सहारे में ढूंढ रहा हूँ। जो भी फोर्ट का जो फोर्टिफिकेशन उसके साइड साइड से चल रहा हूँ, गूगल मैप का जो पाथ है जो दिखा रहा है रास्ता वही फॉलो करके जा रहा हूँ। इस केव तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो फाइनली काबो दे रामा केव मैंने ढूंढ के निकाल लिया। तो बहुत ही मतलब थोड़ा मुश्किल भरा रास्ता था क्योंकि बहुत सारे अभी घास उग गए, अक्टूबर एंडिंग का है, बारिश अभी जस्ट खत्म हुआ है। तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो केव ठीक एकदम नीचे है, अगर आपको व्यू पॉइंट देखना है तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको केव दिख जाएगा। तो मैं भी यहाँ से कुछ ड्रोन शॉट लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। काबो दे रामा केव का लोकेशन गूगल मैप पे सही है, और यहाँ तक पहुँचना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये केव हिडन होने के कारण मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं था। इस चीज का फायदा उठाते हुए मैं काफी समय तक यहाँ पे रुका हुआ था। वैसे इस केव के अंदर आप नहीं जा सकते क्योंकि ये केव पानी से भरा हुआ है। ये केव नेचुरली बना हुआ है और एक परफेक्ट प्लेस है फॉर ड्रोन फोटोग्राफी। तो आ गए हम अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जो है काबो दे रामा बीच और बैक वाटर्स। तो अभी हम लोग आ गए हैं काबो दे रामा बीच, और साथ ही इसके बगल में है काबो दे रामा बैक वाटर। तो काबो दे रामा बैक वाटर है, वहाँ पर आप कैकिंग भी कर सकते हो। तो कैकिंग का चार्जेस से कुछ मैंने पूछा तो बताया 500 रुपीज पर बोट का, जिसमें दो लोग बैठ सकते हैं। अगर आप अकेले भी रहोगे तभी भी आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप गोवा में कयाकिंग करना चाहते हो तो ये लोकेशन बेस्ट है, और साथ ही एक ऑर्बिट भी। यहाँ के बड़े बड़े पाम ट्रीज के बीच में कयाकिंग करना एक अलग एक्सपीरियंस होता है।
काबो दे रामा बीच की बात करें तो ये शांत सुंदर और प्रिस्टीन बीच है। इस बीच तक पहुंचने के लिए आपको 5 मिनट नीचे की ओर आना पड़ता है। अगर आप प्री वेडिंग फोटोशूट करना चाहते हो तो ये परफेक्ट लोकेशन है। तो अभी मैं आ गया हूँ काबो दे रामा व्यू पॉइंट। तो पहले मैं नीचे था जहाँ पर मैंने आपको बैक वाटर और बीच दिखाया, तो अभी मैं ऊपर आया। यहाँ से काबो दे रामा बीच दिखाई देता है, प्लस काबो दे रामा फोर्ट वो भी दिखाई देता है। तो अभी और अभी सनसेट हो रहा है, तो जैसे सनसेट हो जाएगा ना तो एकदम गोल्डन कलर आ जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा एकदम नज़ारा हो जाता है नेचर एकदम। फोटोस और वीडियोस काफ़ी अच्छे आते हैं, तो मैं अभी उसका ही वेट कर रहा हूँ। काबो दे रामा में है परफेक्ट सनसेट लोकेशन। सनसेट होते ही ये बीच काफी मेस्पराइजिंग और फोटोजेनिक हो जाता है। सूरज की किरण जब इस बीच पर आती है तो इसका कलर सोने के जैसा चमकने लगता है। ये है केप गोवा, जहाँ है बहुत सारे कॉटेजेस जो बीच के किनारे हैं, और यहाँ पे स्टे करके आप अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हो। बस खाली आपको थोड़ा ज्यादा पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। अभी आप अमेजिंग सनसेट के ड्रोन शॉट एंजॉय करो। नेक्स्ट डे जब मैं बाकी लोकेशन एक्सप्लोर करने निकला तो पहाड़ों के पीछे होते हुए सनराइज को कैप्चर करने के लिए मैंने ड्रोन फ्लाई किया। तो मैंने अपने लाइफ का सबसे बेस्ट और अद्भुत क्लाउड बेड यानी कि बादलों की चादर को देखा। ये व्यू देखकर मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि गोवा में मुझे ऐसा भी व्यू देखने को मिल सकता है। बादलों की सफेद चादर और बीच में वेशन घाट के माउंटेन, प्यारा सा सनराइज, छोटा सा रेनबो, ठीक नीचे बहुत सारे पाम ट्रीज और सुंदर सुंदर घर, ये सब देखकर मुझे लगा मैं गोवा नहीं बल्कि हिल स्टेशन पे आ गया हूँ। इन अमेजिंग नज़ारों को अपने आंखों में बसाए हुए मैं निकल पड़ा अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, जो काफ़ी यूनिक है। अभी मैं आया हूँ गोवा के एक यूनिक प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है भगवान गौतम बुद्ध का स्टैचू, जो कि एक पहाड़ के ऊपर है। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको 1.5 किलोमीटर का ऑफ रोड करना पड़ता है, और यहाँ पर एंट्री फी भी लिया जाता है 150 रुपीज पर पर्सन। तो आराम से आप देखे जाना, अभी बारिश तो नहीं है तो पूरा रास्ता सूख गया है, बट मानसून में आओगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 1 किलोमीटर का ऑफ रोड रास्ता काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, और आपकी राइडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हमें चढ़ाई करनी पड़ती है। तो पहुंच गया हूँ मैं भगवान बुद्ध के स्टैचू के यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो पीछे भगवान गौतम बुद्ध। अभी कोई नहीं मेरे अलावा, दो लोग थे वो लोग चले गए फोटो वीटो लेके। तो ये ऑर्बिट प्लेस है आप बोल सकते हो, साउथ गोवा के पास में भी है, मडगांव के सबसे पास में लोकेशन। तो ये लोकेशन आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए अगर आपको कुछ हटके विजिट करना है गोवा में। भगवान बुद्ध का स्टैचू लगभग 10 फीट का है और ये बुद्ध हिल पे लोकेटेड है। ये जिस फॉरेस्ट में लोकेटेड है उसका नाम है लागेश लव फॉरेस्ट। यहाँ से हमें सामने के माउंटेन का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। इसके पास में है चांदर विलेज। अभी हम पहुंच गए हैं अपने 7th लोकेशन पे, जो कि है सलालिम डैम। इस डैम को विजिट करने के लिए आपको एंट्री फीस पे करना पड़ता है 40 रुपीज पर पर्सन, और साथ ही साथ अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है। सलालिम डैम गोवा का बिगेस्ट मैन मेड डैम है। डैम का पानी साउथ गोवा में ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है। इस डैम का इंटरेस्टिंग पार्ट है ये हॉर्सशू शेप में बहता हुआ पानी, जो इसको काफी ब्यूटीफुल और फोटोजेनिक बनाता है। गोवा टूरिज्म ने इस डैम को काफी प्रमोट किया है। स्टैचू हो गया, डैम हो गया, तो साउथ गोवा का फेमस
शैडो लक्सम ब्रिज को कैसे भूल सकते हैं। बिना देर किए चलते हैं वहाँ पर। तो अभी जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये थोड़ा यूनिक लोकेशन है और ये खूबसूरत सा ब्रिज है जिसका नाम है शैडो लक्सम ब्रिज। तो साउथ गोवा का ये एक फेमस स्पॉट हो चुका है, पहले फेमस नहीं था। तो बीच के अलावा भी कुछ देखने के लिए अगर आपको चाहिए तो ब्रिज आप देख सकते हो। तो काफ़ी खूबसूरत ब्रिज है, यहाँ पर लोग आते हैं फोटो वीटो लेते हैं। और ड्रोन शॉट तो है मेरे पास, तो ड्रोन के सहारे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना खूबसूरत दिखता है। और राजबाग बीच से काफ़ी नज़दीक है। शैडो लक्सम ब्राइट और ब्लू कलर का काफी सुरमय ब्रिज है जो कि तालपोना रिवर पर बनाया गया है। ये ब्रिज पे गाड़ी चलाना काफी इंटरेस्टिंग होता है। ये ब्रिज की चौड़ाई इतनी है कि एक कार बड़े आसानी से जा सकती है। ये ब्रिज के दोनों तरफ है पाम ट्रीज और ग्रीनरी जो इसे परफेक्ट लोकेशन बनाते हैं फॉर फोटोशूट। बीच से थोड़ा हटके लोकेशन देखने के बाद हम चलते हैं यहाँ के ऑर्बिट बीच की तरफ जो हमारा नेक्स्ट लोकेशन है जिसका नाम है राजबाग बीच। साउथ गोवा में और एक बीच है जो कि पालोलम बीच से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जो कि है राजबाग बीच। और अभी मॉर्निंग के मैं 7:30 बजे यहाँ पर पहुंचा हूँ तो फिलहाल यहाँ पर मुझे सिर्फ 2-3 लोग ही दिख रहे हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे बीच है साउथ गोवा में जो अभी तक फेमस ही नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो ऐसे आप भी अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो, गूगल मैप्स के सहारे से आपको पता चल जाएगा। राजबाग बीच पालोलम से सिर्फ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये बीच लगभग 1 किलोमीटर लंबा और वाइट सैंड बीच है। ये अभी तक एक ऑर्बिट लोकेशन है जहां आप रिलैक्स हो सकते हो। इस बीच का ये वाला व्यू मछली के पूंछ के जैसा दिखाई देता है। यहाँ पे तालपोना रिवर और अरेबियन सी का संगम होता है। बीच के ठीक सामने है तालपोना ब्रिज। इस बीच के किनारे हमें बहुत सारे फ्लावर देखने को मिलते हैं। अभी चलते हैं अपने आखिरी लोकेशन पे जो कि है गालगी बागा बीच और राजबाग से ये 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आ गया हूँ मैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है गालगी बागा बीच। और ये बीच जो है पालोलम बीच से आप बोल सकते हो कि 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। और यहाँ पर भी फिलहाल अभी कोई दिख नहीं रहा है तो ये बीच को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। गालगी बागा बीच को गालगी बाग बीच भी बोलते हैं। ये बीच भी काफी लेसर नोन और क्लीन बीच है। वैसे इस बीच का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे आपको छोटे छोटे कछुए देखने को मिलते हैं जब उनका नेस्टिंग का सीजन होता है, यानी कि यहाँ पे ओलिव रिडली टर्टल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी गालगी बागा रिवर और अरेबियन सी मिलते हैं। ये है गालगी बागा ब्रिज जो कि गालगी बागा रिवर पे बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी साउथ गोवा की 10 बेस्ट लोकेशन, कुछ फेमस तो कुछ जरा हटके। इनमें से आपका फेवरेट लोकेशन कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।